चलिए बात करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की। राजस्थान में सियासी संकट गहरा गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की स्क्रिप्ट राजस्थान में दोहराई जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराना चाहती है। दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट दिल्ली में हैं और बताया जा रहा है कि उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के 10 विधायक हैं जो गुरुग्राम के आसपास कहीं रुके हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट समेत ये सभी विधायक अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं और अपनी पीड़ा पार्टी अध्यक्ष के सामने रखेंगे। इधर प्रदेश में गहराते हुए सियासी संकट को देखते हुए सरकार ने प्रदेश की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है, लेकिन इस फैसले को मौजूदा सियासी संकट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। साथ ही राजस्थान पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने FIR दर्ज की है, जिसमें जिक्र है कि SOG को एक कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान पता चला था कि मुख्यमंत्री और डिप्टी CM के बीच झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। इस मामले में SOG ने BJP के दो नेताओं को गिरफ्तार किया। चलिए अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे जनरल हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं राजस्थान में जो सियासी संकट गहरा रहा है? गहरा गया सुमित जी, गहरा गया। जी जी। और अगर आप एक शब्द में मुझसे मेरी प्रतिक्रिया पूछेंगे तो राजस्थान में MP रिटर्न्स ? क्या मध्य प्रदेश की वापसी है राजस्थान में, ये बड़ा सवाल है। और पूरी परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसी या बना दी गई हैं जैसी मध्य प्रदेश में थी। 24 MLA राजस्थान की सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्य में मानेसर होटल में 24 विधायक कांग्रेस के रुके हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सचिन पायलट जो डिप्टी CM हैं वो रुके हुए हैं दिल्ली में, डेरा डाले हुए हैं और आला कमान के संपर्क में नहीं है, यानी राहुल गांधी या सोनिया जी से उनकी कोई बात नहीं हुई है और शायद किसी बड़े नेता ने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की है, या उन्होंने ही जो भी स्थितियां बनी हो उस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये स्थितियां लगभग बिल्कुल वैसी हैं जैसी 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में बनी थी। अशोक गहलोत जी के आरोप हमने सुने ही, वो बकरा मंडी की बात कर रहे हैं, 10 से 15 करोड़ में विधायकों की खरीदी की बात कर रहे हैं, आपराधिक मामला दायर हुआ है और दावा ये भी है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जिन पर माना जा रहा है कि बीजेपी की निगाह है, उनका भी कुछ किसी फोन कॉल में जिक्र हुआ है। तो कुल मिलाकर सिचुएशंस बहुत जटिल हैं, बहुत पेचीदा हैं। और अगर आप वहां देखेंगे तो 107 विधायक हैं 200 सदस्यीय विधानसभा में राजस्थान की, और बीजेपी के 72 विधायक हैं। 100 का जादुई आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी रहता है, यानी अगर कोई उलटफेर होती है तो बीजेपी को कम से कम 25 विधायकों की जरूरत होगी जो कहीं ना कहीं समर्थन के तौर पर सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी घटनाक्रम, ये सारी तैयारी क्या बहुत सुनियोजित तरीके से चली है और कांग्रेस के असंतोष का सहारा लिया गया है, और क्या मध्य प्रदेश में जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के असंतोष का फायदा बीजेपी ने उठाया, क्या कांग्रेस में वहां राजस्थान में सचिन पायलट के असंतोष का फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों नेता 2018 के चुनाव में, दोनों ही राज्यों में 7 चुनाव होते हैं विधानसभा के, दोनों ही नेता मुख्यमंत्री पद के चेहरे रहे और ये माना गया कि दोनों मुख्यमंत्री घोषित ना होने से नाराज। जी शरद जी, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़ रहे हैं। अनुराग पटेरिया जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज पर। धन्यवाद जी। पटेरिया साहब, किस तरीके से देखेंगे आप मध्य प्रदेश में, हमें देखा सबके सामने नतीजा रिजल्ट है और अब राजस्थान में ही वैसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप, कांग्रेस से कहां चूक हो रही है? देखिए, कांग्रेस से कोई चूक नहीं हो रही है, ये तो तय शुदा कार्यक्रम पे तय सारी चीजें हो रही है। जब मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हो रहा था तब मैंने आपके चैनल पर ही शरद जी के साथ कहा था कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान और महाराष्ट्र की बारी है, अब कौन पहले होता है ये अलग बातें हैं। और दूसरी बात आप ध्यान करिएगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी और बगावत के बाद वो सबसे पहले अगर किसी कांग्रेस के बड़े नेताओं अपने दोस्तों से मिले थे तो उनमें सचिन पायलट का भी नाम था। मध्य प्रदेश के जब लोग राजस्थान में फंसे तो उन्होंने सचिन पायलट का ही सहारा लिया था। तो मुझे लगता है कुल मिला के एक वेल प्लान्ड डिजाइंड स्ट्रेटजी के तहत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं।
और इसके बाद में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बारी है। मध्य प्रदेश कहते हैं ना, मध्य प्रदेश की तो शुरुआत है, ये राजस्थान होते हुए अन्य राज्यों तक भी पहुंचेगा ये सारा मामला। जी पटेलिया साहब, शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। शरद जी, जी जी जी, क्या वजह देखते हैं पटेलिया साहब आप कि ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं सत्ता के लिए उठापटक है उसमें साफ तौर पर बीजेपी की भूमिका तो हम देखते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये जो असंतोष है इसका सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? आपने जिस तरह से इशारा किया कि महाराष्ट्र और बीच में तो चर्चा सरोज पांडे जी के एक बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भी चल निकली थी, हालांकि वहाँ के बारे में मैंने कहा है आपसे। जी जी जी, तो क्या वजह देखते हैं आप, क्या जी कांग्रेस नेतृत्व इन सारी चीजों को लेकर क्या एक उदासीन भाव से ग्रस्त दिखता है आपको? देखिए, वो कांग्रेस का नेतृत्व डिसीजन नहीं कर पा रहा है, चौराहे पे खड़ा है कि उसे किस रास्ते पर चलना है, उसे अपने ओल्ड गार्ड के साथ आगे बढ़ना है या नौजवान खून के साथ आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हुए अपने लीडरशिप की लाइन को बदल दिया। दूसरा, घर में जब बेटा बड़ा होता है तो वो भी घर की बागडोर संभालने की इच्छा है और वक्त रहते हुए आपको उसको सौंप देना चाहिए। मुगलिया सल्तनत में आपने कई बार देखा है, जब शहजादों को सल्तनत नहीं मिली तो उन्होंने बादशाह को कत्ल कर दिया, यही आज हो रहा है। दरअसल सेवा, सद्भाव, असंतोष सिर्फ बहाना है आपको अपना फ्यूचर कैरियर, आपको लगता है कि आपका ब्लॉक हो रहा है। दूसरा, जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया था गुडबी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, उसी तरह से सारा जो रक्षण का सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान में हुआ था, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आप ध्यान करिएगा कितनी हिंसा हुई थी वहां पर, कितने प्रदर्शन हुए थे, बहुत ज्यादा हुए थे और आगजनी भी हुई थी। तो मुझे लगता है चीजों को एड्रेस करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ओल्ड गार्ड को रखिए, सम्मान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी कोई स्पेस रखिए। स्पेस आपको देना पड़ेगा, स्पेस नहीं रहेंगे तो बगावत होगी। घर में नौकर चाकरों के साथ आपको स्पेस देना पड़ती है, परिवार में उसके बेटी की पसंद का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन सा पेस्ट यूज करेगा। तो राजनीति में जो लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो तीसरी सबसे बड़ी बात है इस देश की जो नौजवान पॉपुलेशन है 25 से नीचे वाली तो 39-40% है, लेकिन अगर 40 साल से 39 ईयर से नीचे देखा जाए तो 60% लोग हैं। उनके सपने नए हैं, उम्मीदें नई हैं, इच्छाएं नई हैं, और उनको पुराने लोग जो हैं ओल्ड गार्ड समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है पीढ़ियों का अंतरण होना जरूरी है अगर राजनीति में कांग्रेस को बने रहना है ठीक से। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है सुमित की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शरद जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ लौटूंगा आपके पास। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पारेख जी जुड़ रहे हैं जो राजस्थान की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। सुरेश पारेख जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ बसलियों पर। जी बताइए सर। जी पारेख जी, क्या कहेंगे आप राजस्थान में जो सियासी संकट गहरा गया है उसके बारे में आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की तर्ज पे राजस्थान में भी सियासी संकट खड़ा हो गया है जी। और ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और वो 2-3 दिन से दिल्ली में भी बैठे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनके पास कांग्रेस के 7 विधायक और 3-4 निर्दलीय, 3 निर्दलीय और 8 कांग्रेस के विधायक हैं। इससे ज्यादा लगता नहीं कि उनके पास हैं विधायक, लेकिन और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 107 कांग्रेस के विधायक हैं, फिर बीएसपी के विधायक हैं और इसी तरह 10 निर्दलीय हैं, 2 पीडीपी के हैं और एक और पार्टी का है। तो इस तरह गहलोत की स्थिति जो है मजबूत मानी जा रही है इस समय, लेकिन कहीं कहीं जो ये नाटक चलता है उसमें बहुत राज्यसभा चुनाव से पहले भी जिस तरह से कांग्रेस में असंतोष हो रहा था और राज्यसभा में एकदम छलकने वाला था कि वो रुक गया और ये इससे जोड़ा गया कि ये जनबल की वजह से हो रहा है। तो एक कारण तो हो सकता है कि भाजपा जनबल के सहारे से करना चाहती से बात। हेलो हेलो जी पारिक जी कहिए। हाँ जी जी कहिए। जनबल की वजह से कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती हूँ, लेकिन कहीं कहीं अपन ये भी देखते हैं कि एक पार्टी कांग्रेस पार्टी में भी अंतर विरोध सामने आ रहा है। एक वर्ग है जो सचिन पायलट को बहुत ही युवा नेता के रूप में देख जाता है और
बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अशोक गहलोत को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ आर्थिक संकट भी चल रहा है, कोरोना की भी स्थिति है और बीजेपी का प्रेशर भी है, इन सब को मैनेज करने में गहलोत साहब ज्यादा सक्षम, सचिन पायलट कम अनुभवी लगते हैं, ये मानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सचिन पायलट को के नेतृत्व से लेकर जो चुनाव हुआ था तो उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि ये आगे तक बात बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी। बिल्कुल। सुरेश पारिक जी हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी बने हुए हैं, वो भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे। शरद जी बस मैं यही कहना चाहूंगा सुमित, बहुत धन्यवाद करते हुए पारिक साहब का भी और पटेरिया साहब का भी, कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस को इस द्वंद से निकलना होगा जो वरिष्ठ पीढ़ी और युवा नेताओं के बीच का है। देखिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी को चुना, कैबिनेट में भी उसने ओल्ड गार्ड के बजाय उसने कहा कि संगठन की पसंद और युवा नेताओं को आगे लाना होगा। कांग्रेस अभी भी अपनी 130 साल पुरानी पार्टी की जो मान्यताएं हैं कि नहीं वरिष्ठों का भी उचित सम्मान करना है, और हमने ये देखा, ऐसा माना भी गया कि यूपीए 2 की जो उलझने थी जब वो केंद्र में थी तब भी ये जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल और युवा पीढ़ी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की पीढ़ी के बीच में एक समन्वय नहीं बना। अब इसमें एक व्यवहारिक सोल्यूशन, हम लोग किनारे बैठे हैं, हमारे लिए टिप्पणी करना आसान होता है, कांग्रेस और कांग्रेस के जो पुरोधा हैं वो बेहतर समझते हैं कि उनके भीतर क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, लेकिन ये राइट टाइम है। अगर बड़ा सवाल ये है इस समय कांग्रेस के लिए कि क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते 2018 में तो क्या इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें चलती, या फिर तब जो ओल्ड गार्ड्स हैं यानी जो वरिष्ठ नेता हैं उनका असंतोष इस तरह से सामने आता जैसा युवा नेताओं का आया और तब कांग्रेस की सरकारें गिरती, तो समन्वय का वो बिंदु क्या होगा, ये कांग्रेस को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना। बिल्कुल शरद जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, शिवनावक पटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सुरेश पारिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस में ये असंतोष खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। असंतोष हमने देखा मध्य प्रदेश में, उसके नतीजे हमारे सामने हैं, अब राजस्थान में भी सियासी संकट गहरा गया है, कांग्रेस में असंतोष के सुर उठ रहे हैं।